कैसे हैं आप सब? हेलो अजीत, संजय कुमार, शिव रतन, कविता। यस। सो आज हम करेंगे बच्चों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, मैथमेटिक्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लाइव लाइव टेस्ट है बच्चों आपका, ये आप ये समझ सकते हैं, दिस इज लाइव टेस्ट। सो गाइज, आर यू रेडी फॉर क्लास? कमेंट फास्ट। यस, लेजोंग, भारती सिन्हा, रॉयल गेमर, हाय, कैसे हैं आप? ज्योति, नयन, भारत, अनिल सागर। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। सो जो बच्चे अभी न्यू बैच के लिए इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि जो बच्चे अभी क्लास फोर्थ में हैं, नेक्स्ट ईयर क्लास फिफ्थ में हो जाएंगे। नेक्स्ट ईयर मींस अप्रैल में। ओके, आफ्टर एग्ज़ाम क्लास फिफ्थ में हो जाएंगे। और सैनिक और मिलिट्री स्कूल के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर जो स्टूडेंट क्लास फोर्थ में ही है प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ओके, सो आप न्यू बैच में एडमिशन ले सकते हैं बच्चों। दैट्स बैच इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 15 फेब। ये बच्चों 15 फरवरी से स्टार्ट होगा। ओके, सो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं एंड अप टू 2 जनवरी 2022 यानी कि नेक्स्ट ईयर एग्जाम तक आपके पास आप कोचिंग कर सकते हैं, ये बैच चलेगा बच्चों। एडमिशन के लिए 9541079129 आपको व्हाट्सएप मैसेज दिया गया है, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप आपको करना है, कॉल करने की कोशिश कम करनी है बच्चों। ओके, सारे सब्जेक्ट की आप कोचिंग करेंगे, 32,500 इसका फी है। ओके, एंड अगर आप कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जीके, जीएस और मैथमेटिक्स, ओके, सो आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट की भी कोचिंग कर सकते हैं। यस पूनम, हाँ पूनम, आपके लिए पूनम खत्री, आप क्लास फोर्थ में हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप इस बैच में ज्वाइन करते हैं। ओके, लेजोंग आपके लिए भी, लेजोंग तो अभी क्लास फिफ्थ में है। ओके, और एक है बच्चों अब क्रैश कोर्स, अगर आप क्रैश कोर्स करना चाहते हैं रीजनिंग का। ओके, सो अगर आप बेसिक करना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना है आपको, आप कुछ भी नहीं जानते इस सब्जेक्ट के बारे में बच्चों, आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ने की जरूरत है, ये उनके लिए है जो बच्चे अभी 7 फेब को एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये बैच ही 15 फेब को स्टार्ट हो रहा है। या तो आप आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सो आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। रीजनिंग का बैच स्टार्ट होगा बच्चों 15 फेब से, उसी दिन ही स्टार्ट होगा। 6 to 6:45 PM आपका क्लास का टाइम होगा। और ये बच्चों 2 मंथ्स का बैच है, 999 में आपको सिर्फ मिल रहा है। देखिए फेब से स्टार्ट होगा और अप्रैल तक चलेगा बच्चों, 2 मंथ्स का आपका ये कोर्स होगा। तो इसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको ये नंबर दिया गया है हमारा 9541079129, आपको इन नंबर पे मैसेज करना होगा, व्हाट्सएप मैसेज करना होगा एंड यू विल गेट द ऑल इन्फॉर्मेशन। रीजनिंग पेड कोर्स है बच्चों ये, जिसमें जिस बच्चे को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना है, बेसिक लेवल से स्टार्ट करना है, वो कर सकता है। नेक्स्ट, अगर आप मैथमेटिक्स बेसिक लेवल से करना चाहते हैं, जीरो लेवल से मैथमेटिक्स करना चाहते हैं, सो 15 फेब को एक मैथमेटिक्स का भी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग रहेगा बच्चों 4 PM to 4:45 PM, मंडे टू फ्राइडे क्लास होगा। ये बैच भी 2 मंथ्स का है बच्चों। ओके, एंड 1499 इसका ओनली कॉस्ट रहेगा, 1499, तो आप इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, टेल मी द आंसर ऑफ दिस। द 5-डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर टू बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ 0, 7, 9, 4 एंड 3 इज द 5-डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। कमेंट फास्ट योर आंसर्स। नितिन प्रसाद, थैंक यू सो मच। कमेंट फास्ट योर आंसर्स, वेलकम।
जो बच्चे न्यू हैं जल्दी जल्दी क्लास को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यस लक्ष्य यादव, सीमा, नितिन प्रसाद, साहिल, श्याम, यस वेरी इजी क्वेश्चन। अगर ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द ग्रेटेस्ट डिजिट 9, आफ्टर दैट 7, आफ्टर दैट 4, 3 एंड 0 एट लास्ट। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर 9, 7, 4, 3, 0, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट, वेल डन। आपको क्या करना है बच्चों, आज हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, सो आपको एक कॉपी में अपना लिस्ट बना लेना है, ओके। वहाँ पे आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, कि क्वेश्चन नंबर 1 उसका आंसर आपने क्या किया, ऑप्शन बी अगर सही है तो आप टिक कीजिए, गलत होगा तो आप मार्क्स को कट कीजिए, और फिर देखते हैं व्हाट विल बी योर मार्क्स आउट ऑफ 10। 10 तक के लिए आप टेबल बना लीजिए। जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव इज डिवाइडेड बाई फाइव, द क्वेश्चेंट इज, क्वेश्चेंट इज, सुषमा, शीता, लर्न विद जॉय, लेजोंग, ऋषुराज, पूनम, भार्गव, अर्जुन मलिक, समीर, ओके। बच्चों डिवाइड करते हैं, सो आप डेसिमल रिमूव करेंगे, सो आई विल पुट हेयर 1000। बच्चों देखिए कितना डेसिमल प्लेस है यहाँ पे, 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, सो वी विल पुट हेयर 1000, ओके। नाउ डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय क्या करना है, 5 करना है, सो 5 जा 5, 5 5 जा 25। अब आपको क्या करना है बच्चों, 5 डिवाइडेड बाय 1000 करना है, 5 डिवाइडेड बाय 1000, डेसिमल प्लेस आपको लगाना है 3, ओनली 5 इज देयर, सो यू विल पुट 2 जीरोज एंड आफ्टर 0, सो 0.005 इज योर राइट आंसर। अगेन ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, स्टूडेंट हु इज गिविंग ऑप्शन बी इज राइट, 0.005 दिस इज राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। If 10 men can complete a piece of work, okay, in 30 days, how many men are required to complete the same work in 25 days? गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड, काफ़ी सारे बच्चे आंसर बता रहे हैं, लेस सी द आंसर। बच्चों इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना होता है, m1 मल्टीप्लाइड बाई d1 इज इक्वल टू m2 मल्टीप्लाइड बाई d2, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना होता है। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आप सोल्व कर सकते हैं आसानी से, m1 d1 m2 d2। देखिए क्या करना है इसके लिए, m1 देर आर मैन 10 मैन इन फर्स्ट कंडीशन, 10 मैन एंड दे आर वर्किंग इन 30 डेज, 10 मैन 30 डेज में वर्क फिनिश कर सकते हैं,
नाउ हाउ मैनी मैन आर रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क. एम टू का आपको वैल्यू निकालना है, हाउ मैनी मैंस ओके एंड कैन फिनिश वर्क इन 25 डेज. अब आपको यहाँ पे कैलकुलेशन ओनली करना है. ओके 5 6 जा और 5 5 जा. नाउ 5 1 जा और 5 2 जा 10. सो 6 × 2 = 12. सो 12 मैन आर रिक्वायर्ड, 12 मैन आर रिक्वायर्ड टू डू दिस वर्क इन 25 डेज. 12 मैन आर रिक्वायर्ड. ओके 12 मैन आर रिक्वायर्ड. सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. फाइंड द कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ, इसका आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है बच्चों. मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर बताइए. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन. सीता शर्मा आज फिर प्रेजेंट है क्लास में. वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है भैया, बहुत अच्छा बच्चा है. सारी क्लास मैराथन तो कंप्लीट लगाया था स्टार्टिंग टू लास्ट. सोर्या, सोर्या थैंक यू सो मच सोर्या. रितिक पाल, ममता गजराज, अर्जुन, यस लेट्स सी. सो बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है. सो पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 और 5, दैट इज 125. अब है बच्चों डेसिमल का के, हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेज आर देयर. 3 डेसिमल प्लेसेज यहाँ है बच्चों, 1 डेसिमल प्लेस यहाँ है और 1 डेसिमल प्लेस यहाँ है. सो टोटल देर आर 5 डेसिमल प्लेसेज वी हैव. सो 3 4 एंड 5 यहाँ डेसिमल लगेगा एंड बिफोर इट इट इज 0. रूल तो आप जानते होंगे ना बच्चों कैसे डेसिमल को प्लेस करना है. ओके सो दिस इज योर राइट आंसर ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. अब बच्चों आपकी क्लास रेगुलर रहेगी. अब कभी भी कोई भी संडे मंडे कुछ भी ब्रेक नहीं होगा. 8:30 बजे सुबह 8:30 बजे क्लास होगी आपकी, हर रोज होगी, रेगुलर होगी. मैथमेटिक्स की क्लास होगी, मैथमेटिक्स. ओके सो आप रेगुलर क्लास अटेंड कर सकते हैं. ओके रेगुलर क्लास होगी इसी चैनल पे. अब आपको क्लास का नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे. सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. क्लासेस को लाइक करते चलिए तो आपकी गैलरी में सेव होती रहेगी और आप रिविजन कर सकते हैं. रेगुलर क्लास होगी ये अब तक, अब से लेकर के आपको 7 फरवरी तक, 7 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम है, तब तक आपको पढ़ाया जाएगा. 7 फरवरी को हम पेपर का सॉल्यूशन भी आपको करवाएंगे जब एग्ज़ाम हो जाएगा. ओके तो उसके बाद आप लोग हमें पेपर सेंड कर देंगे, क्वेश्चन पेपर. उसके बाद आराम से जब आप घर आएंगे तो आप अपना स्कोर देख सकते हैं कि आपका स्कोर क्या रहेगा. ओके नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ 8 बैट्स इज ₹72. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 बैट्स यूनिटरी मेथड. क्वेश्चन फ्रॉम यूनिटरी मेथड. बच्चे कह रहे हैं 24 आवर मैराथन क्लास. बच्चों आपसे अटेंड नहीं होगा ये 12 आवर, भी सिर्फ हिम्मत वाले बच्चों ने अटेंड किया. कॉन्फिडेंस सारे बच्चों ने अटेंड नहीं किया, काफी सारे उन्होंने किया. यस 10,000+ स्टूडेंट हैं उस क्लास को देखने वाले. गुड गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. सो द कॉस्ट ऑफ 8 बैट, द कॉस्ट ऑफ 8 बैट्स इज ₹72. सो वट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 बैट. द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इट शुड बी लेस एंड फॉर लेस वी विल डिवाइड इट एंड इट्स ₹9. द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज ₹9. नाउ वट विल बी द कॉस्ट ऑफ 5 बैट्स. सो यूनिटरी मेथड ही आपको अप्लाई करना है बच्चों. 5 बैट का कॉस्ट ज़्यादा होगा एंड फॉर मोर वी विल मल्टीप्लाई हेयर. ओके सो 9 × 5 इट्स 45. सो ₹45 इज योर राइट आंसर.
रुपीज 45 इज योर राइट आंसर. दिस इज योर राइट आंसर, रुपीज 45. नेक्स्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7. फाइंड द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7. इसके लिए बच्चों आपको क्या करना है, ये नंबर्स दिए गए हैं, ओके आप यहां से इनको डिवाइड करके देख सकते हैं विच नंबर इज डिविजिबल बाय 7. ओके सो आपके पास आंसर आ जाएगा. ट्राई कीजिए जल्दी जल्दी. आप 7 की टेबल में देख भी सकते हैं कि कौन सी डिजिट लास्ट में आती है, कौन सी नहीं आती है, सो उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं. यस, राइट आंसर इज 994. अब आप 994 को डिवाइड करके देख सकते हैं बच्चों. डिवाइड करेंगे, 7 वन जा 7, 2 कैरी बचेगा 29 हो जाएगा, 7 4 जा 28, 1 बचेगा 14 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया पूरा. ओके सो इट मीन्स 994 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7. 994 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7 एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर ऑल्सो. ओके ऑप्शन से करना है. अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं है तो आप कैसे करेंगे, 999 को डिवाइड करेंगे, फिर आप देखेंगे आपके पास 5 रिमाइंडर रह गया. क्या रह गया, 5 रिमाइंडर. सो जो रिमाइंडर रह जाता है वो हमें माइनस करना होता है बच्चों. सो 999 माइनस 5 करेंगे, यू विल गेट 994. ये भी आंसर आप कर सकते हैं. विदाउट ऑप्शन करना है तो आप ऐसे करेंगे. फाइंड द 15% ऑफ 200. फाइंड 15% ऑफ 200. 15% ऑफ 200. फाइंड 15% ऑफ 200. सो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वैल्यू, सॉरी परसेंटेज, क्यों आपको तो वैल्यू कैलकुलेट करना है बच्चों, वैल्यू कैलकुलेट करना है. यहां पे क्या आएगा, सो परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय टोटल डिवाइडेड बाय 100. यही तो करना होता है बच्चों, जो परसेंटेज आपको गिवन है सो परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय टोटल. सो 15 मल्टीप्लाइड बाय 200, 200 का कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय 100. 00 आप कैंसिल कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर 30. सो 30 इज योर राइट आंसर, 30. ओके 30 इज राइट आंसर. द स्क्वेयर रूट ऑफ 49. फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ 49. गुड गुड. फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ 49. फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ 49. फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ 49. सो स्क्वेयर रूट ऑफ 49 इट्स इक्वल टू 7. बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों. द रेशियो ऑफ 3 मीटर एंड 330 सेंटीमीटर. रेशियो ऑफ 3 मीटर एंड 330 सेंटीमीटर. जो बच्चे अभी लेट ज्वाइन कर रहे हैं आपको बता दें बच्चों, रेगुलर क्लास होगा, आप रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए. ओके रेगुलर होगा क्लास 8:30, 8:30 आपको क्लास मिलेगा मैथमेटिक्स मॉर्निंग. ओके मॉर्निंग 8:30, सो आप रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दिस इनटू मीटर, सो मल्टीप्लाइड बाय 100, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. सो दिस इज 300 सेंटीमीटर. अब आपको रेशो फाइंड आउट करना है 300 सेंटीमीटर और 330 सेंटीमीटर का. रेशो फाइंड आउट करने के लिए बच्चों 300 डिवाइडेड बाय 330 आपको करना होता है. ओके कैंसिल कर लीजिए आप, 3 की टेबल से कैंसिल हो गया. 10 डिवाइडेड बाय 11 मीन्स 10 रेशो 11. दिस इज ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन बी. इसे आप नोट कर लीजिए बच्चों.
द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज 25 मीटर एंड ब्रेथ इज 15 मीटर. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एक्चुअली एल मल्टीप्लाइड बाई बी, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ. सो 25 मल्टीप्लाइड बाई 15 एंड इट्स एरिया इज 375 मीटर स्क्वेयर. 375 मीटर स्क्वेयर इज योर राइट आंसर. 375 मीटर स्क्वेयर. सो नाउ यू पीपल टेल मी योर स्कोर आउट ऑफ 10. व्हाट इज योर स्कोर आउट ऑफ 10? 10 में से आपका क्या स्कोर रहा है जल्दी से बता दीजिए बच्चा. व्हाट इज योर स्कोर आउट ऑफ 10? अच्छा एक चीज बच्चों आपको बता दें, जो स्टूडेंट हॉस्टल में आना चाहते हैं सो हमारे पास हॉस्टल में लिमिटेड सीट्स हैं और उसमें से 60-70% ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुकी है, यानी कि पेरेंट्स ने फीस सबमिट करके अपना सीट बुक फिल कर लिया है. अब जो पेरेंट्स आना चाहते हैं पहले से कह रहे हैं, सो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना फीस सबमिट करके और अपनी सीट बुक कर लीजिए. अगर आप नेक्स्ट ईयर कभी भी आना चाहते हैं तो आपको अपना सीट बुक करना पहले ज़रूरी है. ऑन द स्पॉट आप कहेंगे कि सर अब हमें सीट, क्योंकि हम आपको पता है कि हम मैक्सिमम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं और बहुत कम बच्चों को ऑफलाइन में लेते हैं हमारे पास. ओके सो अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, स्टूडेंट को हॉस्टल में भेजना चाहते हैं, सो बुक योर सीट एज सुन एज पॉसिबल. आप अपना सीट को बुक कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए. आप में से कितने बच्चे हैं जो हॉस्टल में आना चाहते हैं? कौन कौन आना चाहता है हॉस्टल में, कमेंट फास्ट. जो आना चाहते हैं वो जल्दी से बच्चों ये नंबर नोट कर लीजिए, 9541079129. आप आ सकते हैं. आरएमएस का भी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है बच्चों, आरएमएस का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो आरएमएस के क्रैश कोर्स के लिए आ रहे हैं, आ सकते हैं बच्चों. ये क्रैश कोर्स जस्ट आफ्टर द एग्जाम ऑफ सैनिक स्कूल, जस्ट आफ्टर एग्जाम ऑफ सैनिक स्कूल स्टार्ट हो जाएगा. ओके 15 फेब से ये स्टार्ट हो जाएगा क्रैश कोर्स. और जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए आना चाहते हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2022, सो उनके लिए भी बच्चों स्टार्ट हो जाएगा 15 फेब. ओके सो जो बच्चे अभी आना चाहते हैं हॉस्टल में सो जल्दी से जल्दी अपना सीट बुक कर लीजिए. और जो बच्चे क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हैं, वो ध्यान दीजिए. अगर आप मैथमेटिक्स का बेसिक कोर्स करना चाहते हैं ऑनलाइन, बेसिक मैथमेटिक्स कोर्स, तो आप मैथमेटिक्स का ओनली बेसिक कोर्स कर सकते हैं. पेड कोर्स ये स्टार्ट होगा 15 फरवरी 2021 टू 2021 अप्रैल, 15 अप्रैल. ओके 1499 इसका फ़ी है, बहुत कम फीस में बच्चों ये कोर्स करवाया जा रहा है आपको, बेसिक, जिसमें सब बेसिक कंप्लीट होगा, 2 मंथ्स का कोर्स रहेगा. ओके एंड रीजनिंग अगर आप करना चाहते हैं, दिस इज 999 फी. ओके फॉर 2 मंथ्स ऑफ रीजनिंग. अब जो पेरेंट्स करना चाहते हैं, अगर ये मंथली फीस आप करना चाहते हैं ना बच्चों, ऑल फुल सब्जेक्ट का 3000 पर मंथ फीस रहेगा, पर मंथ 3000 रुपीज पर मंथ से भी आप कर सकते हैं. ओके जो पेरेंट्स अभी जितना जल्दी हो इसका रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए. मैराथन क्लास का भी डिस्काउंट इसमें आपको मिल रहा है, सो वो भी आप ले सकते हैं अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो. ओके इसके अलावा बच्चों काफ़ी सारी बच्चों की क्वेरीज आती रहती है, पूछते रहते हैं, सो अगर अब आपका कुछ भी आप पूछना चाहते हैं. ओके यस 7 फेब का पेपर है, आप 20 दिन का करवा दो सर, मेरा मैसेज पढ़ लो सर. ओके पीयूष ऐसा है, पीयूष दास आप हमारे नंबर पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए पीयूष दास, आपको 20 दिन का कोर्स भी मिल जाएगा 9541079129. इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो क्लासेस पहले हो चुकी है वो आपको रिकॉर्डिंग क्लास देखना पड़ेगा, एंड
जो क्लास आज से होगी वो आप लाइव अटेंड कर पाएंगे, आप ये कोर्स ले सकते हैं। ओके, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। पूजा विन ने पूछा सर हॉस्टल का फीस कितना है। देखिए वैसे तो आपको व्हाट्सएप पे इसकी जानकारी मिलेगी, लेकिन आपको बता दें कि कंप्लीट ईयर का अप्रोक्सीमेट फीस 1,20,000 के अप्रोक्स है, कंप्लीट ईयर, स्कूल कोचिंग हॉस्टल पॉकेट मनी एंड ऑल सब कुछ मिला करके अप्रोक्सीमेट 1,20,000 फॉर कंप्लीट ईयर। 12 मंथ्स की फीस है बच्चों ये, 12 मंथ्स हॉस्टल की। अरिजीत गौतम क्या बोलना है बताइए। अरिजीत गौतम, लक्ष्मी झा मैं इस बैच में हूँ। ओके, आप इस बैच में हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा है अगर आप इस बैच में हैं तो। मैराथन क्लास कब होगा? नेक्स्ट संडे, कमिंग संडे आप कह सकते हैं, कमिंग संडे को बच्चों मैराथन क्लास करवाएंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, एमसीक्यू करवाए जाएंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू। ओके, सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है बच्चों, नो नेगेटिव मार्किंग इन सैनिक एंड मिलिट्री स्कूल एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ओके, इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। यस जो मैराथन क्लास तो सबको मिलेगी बच्चों, जो पेड कोर्स में है भी नहीं भी है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।